Good morning, my dear students. So today we will learn EVA subject. In EVA, today we will start a new chapter, chapter number 12. The name of our chapter is Work We Do. Okay. So in this chapter, all the information is about the work. Okay. जो हम work करते हैं, उसको आप job भी बोल सकते हो, occupation भी बोल सकते हो. यानी कि occupation में व्यवसाय. आप जो भी work करते हो, उसका proper एक name होता है. और उसमें प्रॉपर आपको जो काम करना होता है वो इसके बारे में यहाँ पे थोड़े इन्फॉर्मेशन दी है. नाउ फर्स्ट पेज पेज नंबर 18 हियर वन पिक्चर इज गिवन. सो फर्स्ट वे ऑब्जर्व द पिक्चर. सी हियर वन पोस्ट ऑफिस इज गिवन. वंस वन वुमेन इज स्वीपिंग द ग्राउंड. ओके, जो ग्राउंड है उसको वो स्वीप कर रही है. उसके बारे में आप देखोगे कि एक टी स्टॉल है जहाँ पे पेड़ के नीचे टी स्टॉल दिखाई है. वहाँ पे एक छोटा बच्चा दो आदमियों को टी बांट रहा है. देन एक वुमेन बैठी है जो फ्लावर्स लेके बैठी है. उससे सब लोग फ्लावर्स ले जाते हैं. बाजू में आप देखोगे वहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही है. वहाँ पे थोड़े वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं.
सिलेंडर की मरम्मत करवाएंगे तो जग्गू भाई को अर्ली मॉर्निंग में ही थोड़ा पैसा कमाने को मिल जाएगा। नाउ पेज नंबर 82, चंपा इज सिटिंग हियर सिटिंग देयर विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। यानी चंपा करके पिक्चर में हमने ये सारी बातें देखी। चंपा करके जो लेडी है वो क्या लेके बैठी है? बास्केट ऑफ फ्लावर्स। ओके, फ्लावर्स का पूरा बास्केट भर के वहां पे बैठी है। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइस फ्लावर फ्रॉम हर एवरीडे। यानी कि वहां पे पोस्ट ऑफिस में जो नजदीक में ही पिक्चर में हमने देखा, तो जो पोस्ट ऑफिस में जो लेडी काम करती है वो हर रोज सुबह में जब आती है तो चंपा बाई से वो फूल लेके जाती है। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड अगेन। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रही है वहां पे, द ट्रक इज ब्रिंगिंग मटेरियल्स, द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे। यानी कि जो ट्रक दिखाई है वो सब जो बिल्डिंग के लिए जरूरी मटेरियल्स होती है वो लाती है, और जो वर्कर है वो अगेन फिर से वैसे ही पूरा दिन बिजी हो जाएगी कंस्ट्रक्शन वर्क में। नाउ लुक दैट द डॉक्टर एंड नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। यानी कि पिक्चर में और भी दिखाया है कि वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर एंड नर्स सब साथ में वहाँ पे हॉस्पिटल में जाते हैं। सी रामलू विद हिज फ्रूट कार्ट दिस डे ही आल्सो ब्रिंग चिनम्मा विद हिम। चिनम्मा रन्स अराउंड डिलीवर फ्रूट्स एंड कलेक्ट मनी। ये भी हमने पिक्चर में देखा, मैंने आपको बताया कि जो कार्ट फ्रूट कार्ट लेके जो जा रहे हैं वो अंकल का नाम क्या दिया है? रामलू अंकल। सो रामलू अंकल वो फ्रूट बेचते हैं और आज वो अपनी छोटी बेटी को भी उनके साथ लेके आए हैं, और उसकी बेटी का नाम क्या बताया है? चिनम्मा। चिनम्मा क्या काम करती है? पापा से जो फ्रूट पापा उसको देते हैं वो सारी गली गली में स्ट्रीट में जाके सबको बांटती है और उनसे पैसे कलेक्ट करती है। नानू द बार्बर हैज लेड आउट हिज शॉप बट होम विल ही शेव। यानी कि नानू जो है हमने पिक्चर में देखा कि ट्री के नीचे एक बार्बर बैठा है। ओके, इस बार्बर का नाम क्या दिया है? नानू। नानू इज लेड आउट हिज शॉप। उसने अपनी शॉप जो ट्री के नीचे बना के रखी है, पर वहां पे कौन शेव कराने के लिए आएगा? शेव मीन्स अपनी दाढ़ी मूछ सब कटवाना। ओके, तो उसको हम बोलते हैं शेव। राइट इन मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड इकबाल सिंह। ओके, यानी कि जो क्रॉसिंग है रोड क्रॉसिंग, वहां पे मिडल में कौन खड़ा है? ट्रैफिक पुलिस। हमने आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस हर एक रोड पे खड़े होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। ओके, सो यहाँ पिक्चर में भी हमने देखा उनका नाम क्या दिया है? ट्रैफिक पुलिस का नाम इकबाल सिंह। थ्रू आउट द डे ही ब्लोज हिज व्हिसल एंड कीप्स शाउटिंग मूव योर व्हीकल फ्रॉम हियर। हे, हैव यू नॉट हर्ड मी? टेक द कार्ट अवे। यानी आपने ये देखा ही होगा कि जो ट्रैफिक पुलिस होता है पूरा दिन बेचारा चिल्लाता ही रहता है, यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, अपना कार्ट यहाँ से ले जाओ वहाँ से। तो सेम इकबाल सिंह जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी वहाँ पे पूरा दिन खड़ा रह के इस तरीके से शाउटिंग करता रहता है। सीइंग दिस बलवीर पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉक टू अ नियर बाय शॉप। ओके, सो इतना कह के फिर जो बलवीर है उसने वो क्या कर रहा था? अभी तक चाय पी रहा था, तो उसका भी कप ऑफ टी कंप्लीट हो गया, सो वो कप रख के फिर वहां से चला गया। सो नाउ पेज नंबर 82, सी हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन। लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। ओके, सो हमने जो पिक्चर देखा वो हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने डिस्कशन भी की कि वहाँ पे कौन कौन से पीपल है और वो क्या काम करते हैं। सो सी हियर आंसर, अ वुमन इज स्वीपिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस, मेसन आर मेकिंग अ हाउस, डॉक्टर इज गोइंग टू हॉस्पिटल, अ वुमन इज गोइंग टू पोस्ट ऑफिस, Children are going to school, then a vendor is selling vegetables, then shopkeepers are waiting for customers and drivers are driving their vehicles. Okay, so ये सारे जो लोग हैं, people हैं, woman, then vendor, mason, doctor. ओके, सो ये सब हमने picture में देखा, but वो क्या काम करते हैं वो भी हमें यहाँ पे लिखना है।
Now question number 2. What kind of work do people in your neighborhood do? Name any 5. What are these workers called? Okay, so आपको ये खुद से भी आप इसमें add कर सकते हो. आपको अपने आजू बाजू में neighborhood में पहले ऑब्जर्व करना है कि वो लोग जो आपके बाजू में रहते हैं वो क्या क्या काम करते हैं. ओके, और वो जो काम करते हैं वो उसका नाम क्या है, प्रॉपर ऑक्यूपेशन का नाम होता है. ओके, सो यहाँ पे मैंने आंसर अब मैं आपको दिखाया है वर्क व्हाट दे आर कॉल्ड. सो रिपेयर कार्स एंड स्कूटर, मैकेनिक, ट्रीटेड पेशेंट, डॉक्टर, सेलिंग फ्रूट्स, फ्रूट सेलर, कुकिंग फूड, कुक, सेलिंग आइटम इन अ शॉप, शॉपकीपर, बिल्डिंग अ होम, मैशन. ओके, सो ये सारे जो है वो ऑक्यूपेशन के नेम है और ये उनका वर्क है. ओके, सो मैकेनिक क्या करता है, कार्स एंड स्कूटर को रिपेयर करता है, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है, देन फ्रूट सेलर वो फ्रूट बेचता है, कुक जो होता है वो फूड कुक करता है, शॉपकीपर वो शॉप में आइटम सेल करता है, और मैशन जो होता है वो हमारा घर जो है वो बनाता है. सो इस तरीके से इतने मैंने दिखाए आपको नेम ऑक्यूपेशन के. उनके अलावा भी और कितने हैं आप इसमें ऐड कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3. इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द लेसन सम बिल्डिंग हैव बीन शोन. ओके, जो अभी हमने देखा कि फर्स्ट पेज पे पिक्चर में जो बिल्डिंग दिखाई है, पुट अ रेड सर्कल ऑन द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग, यानी कि जो जो बिल्डिंग पिक्चर में हमें दिखाई है वो बिल्डिंग के नेम के ऊपर हमें रेड सर्कल बनाना है. देन ऑल्सो पुट अ ग्रीन और एनी अदर कलर्ड ऑन द नेम those building that are in your neighborhood. यानी जो पिक्चर में दिखाई है वो बिल्डिंग को हम रेड कलर करेंगे, बट उनके अलावा जो बिल्डिंग आपके घर के नज़दीक है उसके ऊपर आप ग्रीन और येल्लो कलर का सर्कल बना सकते हो. सो सबसे पहले हमें यहाँ से देखना है, फर्स्ट आप यहाँ पे सारे बिल्डिंग का नेम दिखाया है, पोस्ट ऑफिस, तो इसके ऊपर आप रेड सर्कल बनाओगे क्योंकि पिक्चर में पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल भी है. ओके, देन टेम्पल, टेलीफोन बूथ वो नहीं दिखाया है, देन स्कूल भी दिखाई है, कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है, चर्च नहीं है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग नहीं है, धर्मशाला नहीं है, होटल नहीं है, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल, पुलिस स्टेशन, बैंक, पेट्रोल पंप, शॉप भी हमारे पिक्चर में दिखाई है, देन गुरुद्वारा नहीं है. नेक्स्ट वन, सी हियर, मॉल्स, रेलवे स्टेशन भी नहीं है एंड कोर्ट भी नहीं है. ओके, बट आपको क्या करना है, जो जो आपके घर के नज़दीक है उसके ऊपर भी आपको ग्रीन या येल्लो सर्कल बनाना है. बट यहाँ पे आंसर आपको दिखाया है, यहाँ पे देखो आंसर, बिल्डिंग शोन इन दिस लेसन आर पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, टेम्पल एंड स्कूल. ओके, ये सारे बिल्डिंग आपको बुक में दिखाई है, सो उसके ऊपर आप रेड सर्कल बनाओगे. एंड बिल्डिंग इन माई नेबरहुड आर पोस्ट ऑफिस, शॉप, टी स्टॉल, गवर्नमेंट ऑफिस, गुरुद्वारा, मॉस्क, बैंक एंड स्कूल. सो ये आप अपने अकॉर्डिंग करोगे क्योंकि आपके घर के बिल्डिंग के नज़दीक क्या है वो सबका अलग अलग होता है ना, सबके घर से अलग अलग प्लेस नज़दीक होती है. सो आपके घर के नज़दीक जो जो प्लेस है उसके ऊपर आप ये जो है उसमें ग्रीन या येल्लो सर्कल बना सकते. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. राइट द नेम ऑफ एनी 5 बिल्डिंग एंड द वर्क डन इन देम. यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी 5 बिल्डिंग के नेम लिखना है और उसमें क्या काम किया जाता है वो यहाँ पे आपको लिखना है. सो सी, हॉस्पिटल, नेम ऑफ द बिल्डिंग इज फर्स्ट हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रेन. ओके, सो जो हॉस्पिटल होती है उसमें यही काम किया जाता है कि वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है और जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी वैक्सीन भी वहाँ पे लगवाई जाती है. नेक्स्ट प्लेस या बिल्डिंग इज स्कूल, चिल्ड्रन स्टडी. ओके, जो स्कूल है आपको पता ही है वहाँ पे बच्चे आके पढ़ाई करते हैं. देन बैंक, डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी, जो बैंक होते हैं उसमें हम पैसे डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हैं. नाउ पोस्ट ऑफिस, वी गेट पोस्ट कार्ड एंड पोस्टेज स्टैम्प. ओके, सो यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आपको पोस्ट कार्ड एंड पोस्ट स्टैम्प्स जो होते हैं वो भी वहाँ पे पोस्ट ऑफिस से आपको मिलते हैं, जो कि हमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स में पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है.
नाउ होटल विजिटर स्टे एंड ईट. ओके सो होटल जो होती है बिल्डिंग जो होटल है उसमें डिफरेंट डिफरेंट विजिटर आते रहते हैं, वहाँ पे स्टे करते हैं, रहते हैं, वहाँ पे वो खाते भी है. सो इस तरीके से आप इसमें और ऐड कर सकते हो. यहाँ पे मैंने ये फाइल लिखा है, आप इसके अलावा और कुछ लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट व्हाट वर्क इज डन इन दी स्कूल. ओके सो स्कूल में आप आते हो, स्कूल में कौन कौन सा काम किया जाता है वो यहाँ पे मेंशन करना है. फॉलोइंग वर्क आर डन इन दी स्कूल, चिल्ड्रन स्टडी, टीचर्स टीच, एवरीवन डज द मॉर्निंग प्रेयर, चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम्स, चिल्ड्रन सिंग एंड डांस. ओके सो ये सारी एक्टिविटी जब आप स्कूल में आते हो तो होती ही है. ओके सो ये सारा आपको वहाँ पे मेंशन करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हियर आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग. यानी पिक्चर जो हमने देखा उसमें कोई ऐसा बच्चा आपको दिख रहा है कि जो स्कूल नहीं जाता है, तो वो क्या कर रहा है? वो स्कूल नहीं जाता है तो वो क्या कर रहा है? सो सी हियर वन चिल्ड्रन इज सर्विंग टी टू कस्टमर, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग. ओके जो उसको बच्चे स्कूल नहीं जाते, वैसे तो कितने दिखाए हैं वहाँ पे, बट अगर वो स्कूल नहीं जाते तो वो घर पे तो बैठे नहीं रहेंगे. ओके सो उनको और भी कुछ काम करना होता है. सो एक जो बॉय हमने देखा कि वो बलवीर और सतबिंदर को टी दे रहा है, तो यहाँ पे वन चाइल्ड इज सर्विंग टी टू कस्टमर एंड सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग. ओके सो ये सारे क्वेश्चन आंसर है. सो वो सब आपको अपनी ईवीएस नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक में लिखना है.